हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप वाईपे यूज़ करना सीखेंगे एटीएम टेस्ट के साथ, जो बहुत ही अच्छा पेमेंट ऐप है। इसका खास बात यह है कि अगर आप 18 साल से कम उम्र वाले हैं फिर भी आपको एटीएम मिलेगा, और ज़्यादा वाले हैं तो फिर भी आपको एटीएम मिलेगा। तो चलिए पहले आपको अकाउंट बना के दिखाते हैं। इसके लिए आपको जाना है सबसे पहले प्ले स्टोर में, और यहाँ पर सर्च करना है वाईपे। वाईपे सर्च करने के बाद पहला जो एप्लीकेशन दिख रहा है आपको येलो कलर में, आपको सेम इसी को डाउनलोड करना है। और कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और यहाँ से मैं आपको इसको ओपन कर लेता हूँ, क्योंकि मैं पहले से इसे डाउनलोड कर चुका था। तो आपको यहाँ पर सिंपली गो इट पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा वाईपे का एक इंट्रो चलता है, उसके बाद यहाँ अलाउ कर देना है। और यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP को वेरीफाई करना है। यहाँ पर रजिस्टर्ड पर क्लिक करके आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा आपके बारे में। तो आपको इजीली ये सब आप कोई भी पे भर सकता है। तो आप इसे जल्दी से, मैं चलिए भर लेता हूँ। तो यहाँ पर जब मैं सारे एड्रेस को भर देता हूँ तो उसके बाद आपको एक OTP फिर से भेजा जाएगा। फिर ये OTP को आपको सबमिट करना है। तो मैं इसे पहले कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी। तो हमारा OTP हो चुका है कॉपी, और अब जाके मैं इसे पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर और सबमिट पर क्लिक कर दें। तो आप देख सकते हैं कि अकाउंट बन चुका है। तो अब इसे मुझे KYC कराना है। तो अब KYC करने के लिए आपको जाने की कहीं ज़रूरत नहीं, आपको जाना है आपके अकाउंट पर, और माय प्रोफाइल पर जाके आपको नीचे दिख रहा होगा कंप्लीट योर KYC। तो KYC में सिंपली वही सब डिटेल रहेगा जो आपने शुरू में भरा था, और यहाँ पर सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपके पास फिर से एक OTP आएगा। तो OTP आ चुका है, तो अब OTP को यहाँ पर करते हैं इंटर। तो सबमिट करने के बाद आपको आपका आधार नंबर मांगा जाएगा, जिस जो टीनेजर है जिसका नाम से आप अकाउंट चालू करना चाहते हैं। तो आधार कार्ड का नंबर डाल के आप यहाँ पर सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो फिर से आपके पास एक OTP आएगा। तो OTP आ चुका है, तो मैं इसे इंटर कर लेता हूँ और सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। तो आपका ये KYC हो चुका है। आप इजली यहाँ से अकाउंट का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको एक लास्ट प्रोसेस है, आधार एप्लीकेशन, मतलब अपने पेरेंट्स का आधार कार्ड आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो ये इसलिए आप आधार कार्ड का फ़ोटो खींच के अपडेट अपलोड कर देंगे। यहाँ पर हो चुका है। तो मैं चाहूँगा अगर कि आप अगर ATM कार्ड मंगाना चाहेंगे तो 199 रुपया लगता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और अब आपको ATM टेस्ट करके दिखाएंगे। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।